ओम शांति। सर्वप्रथम सर्व को शुभ नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नवरात्रि का त्यौहार क्या आया, कहने को तो रात्रि, परंतु उत्साह, उमंग, आनंद सूर्य प्रकाश की प्रथम किरणों के साथ, जैसे धरती माँ स्वयं को धन्य धन्य अनुभव करती है, ऐसे ही हम भी नवरात्रि पर अपनी इष्ट देवी को याद करते हुए उनकी विशेष खातिरी करने के नए नए विचार, नई नई बातें, नया नया श्रृंगार और बहुत कुछ नया नया करने को सोचना शुरू कर देते हैं कि नवरात्रि को हम कैसे मनाएंगे। तो विविध प्रकार से मनाने के प्लान्स हमारी बुद्धि में चलने शुरू हो जाते हैं। परंतु ये नवरात्रि है क्या? नवरात्रि शब्द का शब्द विच्छेद करें तो नव प्लस रात्रि। नव का अर्थ होता है नवीन, नया, और रात्रि का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, सूर्य किरणें या सूर्य प्रकाश का अभाव, ये है रात्रि यानी अंधकार। तो प्रकाश और अंधकार, नवीन प्रकाश है और रात्रि अंधकार है। तो ये देवियों का गायन पूजन नवरात्रि में क्यों, यानी रात्रि में भी और प्रकाश में भी, इन दोनों के मिश्रण के रूप में नवरात्रि को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि नवरात्रि के इस शब्द के साथ, इस त्यौहार को जो हम मनाते हैं इतने उत्साह और उमंग से, तो उसका राज क्या है, रहस्य क्या है। जैसे 7 दिन को सप्ताह, 30 दिन को एक मास, 12 मास को एक वर्ष, ऐसे समय की 24 घंटों को लक्ष्य में रखते हुए जो गिनती चली आती है, उसमें यह भी एक गिनती है कि कल्प 4 युगों का है, परंतु एक गुप्त युग भी उस युग के साथ है और वो 5वां युग है, जिस युग के विषय में सभी को पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा इस युग में अवतरित होते हैं। तो जब प्रभु का अवतरण इस समय पर होता है, यानी 4 युग जब कलयुग पूरा होता है और सतयुग का प्रारंभ होना होता है, तो उसके बीच का समय जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, तो परमपिता परमात्मा जब जब सृष्टि पर धर्म की हानि होती है, तो सत धर्म की स्थापना अर्थ अवतरित होते हैं। तो इसका मतलब कलयुग के अंतिम चरण में धर्म की हानि और उस हानि को नष्ट करने और सतयुग की शुरुआत यानी सत धर्म की स्थापना के हेतु परमपिता परमात्मा सृष्टि पर अपने वायदे अनुसार आते हैं। अब प्रभु का आना और प्रभु का जाना, इस समय को कहते हैं संगम युग। अब इस संगम युग में ये त्योहार आता है नवरात्रि, यानी जिसमें प्रकाश भी है, रोशनी भी है और रात्रि का अंधकार भी है, दोनों है। अब ये कैसे होता है? तो रात्रि इसलिए नवरात्रि में है कि रात्रि के समय इन देवियों का भी आगमन होता है, जब प्रभु अवतरित होते हैं। तो प्रभु के साथ साथ प्रभु कहता है मेरे साथ शक्तियों का भी अवतरण होता है, और ये शक्तियाँ गुणों की शक्तियाँ हैं, शक्तियों की शक्तियाँ हैं, विविध प्रकार की ये शक्तियाँ
प्रकट होती हैं और ये शक्तियाँ मनुष्य आत्मा को एक ऐसा मानव बनाती है, एक ऐसा देव समान बनाती है जो कलयुग से निकलकर सतयुग में जा सकता है। तो ये संगम पर जो नवरात्रि मनाई जाती है उसमें हमें इन शक्तियों का साक्षात्कार होता है और ये साक्षात्कार में हमें भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न शक्तियों का भिन्न भिन्न देवियों के रूप में साक्षात्कार होता है और भिन्न भिन्न उनके नाम हैं, भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न गांवों में या जहां पर भी वो देवी या वो शक्ति अपना स्वरूप दिखाती है या प्रभु की शक्ति का साक्षात्कार कराती है वहां वहां इन देवियों का शक्ति के रूप में गायन और पूजन होता है। अब ये रात्रि के समय ये कार्य होता है। अब ये कार्य देवियां कैसे करती हैं? तो जो अंधकार होता है उस अंधकार को नष्ट करना होता है। अंधकार को नष्ट करने की क्या आवश्यकता है? अंधकार को नष्ट इसलिए करना होता है कि अंधकार में अक्सर बुरे कर्म होते हैं। बुरे कर्म माना आसुरी कर्म और आसुरी कर्म माना असुरों का प्रकटीकरण। तो असुर भी प्रकट होते हैं उतने, वो अपना स्वरूप अंतिम स्वरूप दिखाते हैं। तो हमें शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। मानवी उन असुरों की आसुरी दुर्प्रभ शक्तियों से प्रभावित होकर के दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो वो प्रभु को याद करते हैं। अब प्रभु कैसे उन मनुष्य आत्माओं के दुखों को दर्दों को दूर करे, कैसे उन असुरों को मारे? अब प्रभु तो निराकार है, तो वह सृष्टि पर जिन नारियों को, बहनों को, माताओं को जन्म दिया है, भेजा है, उनमें वह अपनी शक्तियां भरते हैं और वो शक्तियां जिनमें भरती हैं वो शक्तियां यानी वो कन्याएं, माताएं, बहनें एक शक्ति स्वरूपा बनती है। जब वो शिव की शक्ति स्वरूपा बनती है तो ये मनुष्य के अंदर घुसे हुए ये जो दुर्गुण हैं या जो ऐसी शक्तियां हैं जिसको हम मैली शक्तियां कहें, जो शक्तियां मनुष्य आत्माओं के आनंद को, सुख को, खुशी को जो नाश कर देती है और मनुष्य को दुखी दुखी कर देती है, तो ऐसी दुष्ट स्वभाव वाली मनुष्य आत्माओं को मारने के लिए ऐसी शिव शक्ति स्वरूपा उन शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य आत्मा कलयुग के अंत में असुरों की आसुरी शक्तियों से जो नेगेटिविटी की बातें प्रकट करती हैं, जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए यानी मनुष्य अपने दुख और दर्द से स्वयं को मुक्त करने के लिए प्रभु को प्रार्थना करते हैं। प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अवतरित होते हैं, तो साथ में शक्तियों को लेकर के अवतरित होते हैं। तो ये जो शक्तियाँ प्रभु तैयार करता है जिन कन्याओं, माताओं, बहनों को, उनको इस ब्रह्मा की रात्रि में ही प्रकट करता है। अब ब्रह्मा की रात्रि शब्द कहाँ से आया? तो ब्रह्मा है स्थापना करता, तो परमात्मा सृष्टि पर आकर ब्रह्मा से स्थापना का कर्तव्य कराते हैं। तो स्थापना का कर्तव्य कराने के लिए इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि स्थापना जो प्रभु के द्वारा होती है तो जरूर जैसा कलाकार होगा, जैसा मूर्तिकार होगा,
जैसा प्रभु स्वयं महान होगा, उसकी सृष्टि की कल्पना भी उतनी ही महान और श्रेष्ठ होगी। वो जो मूर्तियाँ रचेगा, चैतन्य मूर्तियाँ, वो दिव्य होंगी, गुणवान होंगी, शक्तियों से भरपूर, सामर्थ्य से भरपूर, और किसी भी प्रकार की अप्राप्तियाँ उनके पास नहीं होंगी। वो वरदानी होंगी, वो महादानी होंगी। तो ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात्रि इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्मा से इस नई सृष्टि की स्थापना का कार्य होता है। तो ब्रह्मा के दिन को जब पूर्ण होने का समय आकर रात्रि भी जब पूरी होती है, फिर से वह दिन आता है, तो रात्रि और दिन के बीच के समय अर्थात ब्रह्मा मूर्त पर, जिसको ब्रह्म मूर्त कह दिया है, तो ब्रह्मा मूर्त में यह नवरात्रि असल में उन देवियों शक्तियों के सच्चे स्वरूप में अर्थात गुणों की शक्तियाँ अपनी विविध प्रकार की शक्तियाँ, अपने विविध वरदान, अपने विविध स्वमान, ये सारे खजाने लेकर के अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ सृष्टि पर आती है सर्व असुरों का संहार करने, अर्थात सर्व प्रकार की नकारात्मकता को मिटाने। और वो सर्व प्रकार की नकारात्मकता अस्त्र शस्त्रों से उन असुरों के नाश में यूज करती है। आप कहेंगे अस्त्र शस्त्रों से मारती है? नहीं, देवी हिंसा नहीं करती, परंतु वह ज्ञान, योग, ध्यान, एकाग्रता, कई अनेकानेक अच्छे गुण, ऐसी शक्तियाँ सहन करना, समाना, परखना, कई प्रकार की शक्तियाँ, ये सब कुछ आती है तो मनुष्य आत्माओं के अंदर भरती है। जो जो व्यक्ति उनसे अपना दिल से संबंध जोड़ते हैं, प्रार्थना से, योग से, ध्यान से, भक्ति से, जिससे भी उनको उनके द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, और वो शक्ति प्राप्त करने के लिए हरेक उन शक्ति स्वरूपा उस कन्या माता बहन को माँ के रूप में प्रस्थापित करते हैं अपने हृदय में। उनके लिए उनके दिल में माँ का पूज्य भाव रहता है, या तो फिर स्नेह के रूप में बहन का भाव रहता है। तो ये शक्तियाँ, ये कन्याएं, माताएं, बहनें इस ब्रह्मा की रात्रि के अंतिम समय ब्रह्म मुहूर्त में सर्व को गुण और शक्तियों का दान देती हैं, वरदान देती हैं, महादान करती हैं, और उनको सशक्त बनाती हैं, उनको समर्थवान बनाती हैं, ताकि वह समर्थवान बन करके और नकारात्मकता जितनी भी उसके जीवन को दुखी करती है, अशांत करती है, या जीवन को बर्बाद करती है, वो उन सर्व नकारात्मकता के असुरों को वो मार के खत्म कर सकते हैं। तो ये यश इन देवियों को जाता है क्योंकि अस्त्र शस्त्र ज्ञान के, गुण के, शक्तियों के इन देवियों के द्वारा ही उन्हें प्राप्त होते हैं। और जब ये नकारात्मकता समाप्त होती है तो धीरे धीरे ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा का जो अवतरण हुआ सत्य धर्म की स्थापना का, तो वो सत्य धर्म की स्थापना का रोशनमय कार्य प्रारंभ होता है, और जगत के अंदर धीरे धीरे अमृत वेला से नव प्रभात शुरू होता है, और इस प्रकार इस पूरे विश्व के ऊपर ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा के दिन की वह रोशनी छा जाती है, और पूरा जग फिर रोशन
मय हो जाता है। इसको कहते हैं नवरात्रि, यानी नई रात्रि। रात्रि है परंतु नई, क्योंकि कल्प का जो चक्र है चार युगों का, कहीं से तो उसको बिंदु देके प्रारंभ करना हो पड़े और कहीं उसका अंत करना पड़े। अंत तो हो नहीं सकता और प्रारंभ भी हो नहीं सकता, क्योंकि अनादि अविनाशी यह चक्र है। इसीलिए प्रकृति के अंदर यह जो सूर्य चांद, यह भी अविरत अविनाशी रूप से चक्र लगाते रहते हैं और इस जगत को रोशनी देते हैं, और इस रोशनी के अभाव से रात्रि होती है। तो इसीलिए हम उसको नव भी कहते, रात्रि भी कहते, यानी रोशनी भी और अंधकार भी। इसीलिए अंधकार को नष्ट करने नवरात्रि में दीपक जगाते हैं कलश के अंदर, यानी जगत के हर कोने में रोशनी आ जाती है। और फिर खुशी में, उस दिन की खुशी में सभी रास मिलाते हुए इतनी सुंदर रास करते हैं कि उस रास में जो आनंद कहते हैं वो आनंद चारों ही ओर छा जाता है। नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता जगत में विजयी होती है, और मनुष्य आसुरी वृत्तियों से मुक्त होकर पुनर्जन्म जब लेता है तो दैवी स्वभाव, संस्कार और वृत्तियों को लेकर एक देवी के रूप में, एक देवता के रूप में पैदा होता है। क्योंकि प्रभु की स्थापना का वह प्रतीक होता है, तो प्रभु की स्थापना का प्रतीक अवश्य परम पूज्य का जो प्रतीक होगा वो पूज्य ही होगा। तो ये जितने भी इष्ट देवी देवताएं, वो सारे परम पिता परमात्मा के प्रतीक हैं। और इसीलिए जैसे प्रभु पूजे जाते हैं, ऐसे इन शक्तियों को, देवियों को भी हम प्रभु की तरह पूजते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान लगाते। जो मनोकामनाएं हम प्रभु से रखते वही मनोकामनाएं हम इसको माँ कहकर उनके आगे रखते, और माँ और पिता यही दो सक्षम होते हैं बच्चों की हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो ये नवरात्रि में ये देवियाँ, ये शक्तियाँ हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, और इसीलिए इस नवरात्रि का हमें बड़ा जिज्ञासा के साथ इंतज़ार रहता है कि कब नवरात्रि आए, कब हम अपनी माँ से मिलें, और कब हमारी मनोकामना उनके आगे रखें और माँ मुझे उससे नकारात्मकता से मुक्त करे और मेरे अंदर वो सकारात्मकता भरे जो मेरे जीवन को आनंदमय करे, शक्ति स्वरूप कर दे और मैं माँ समान बनूं। अच्छा, तो ये है नवरात्रि का रहस्य। तो नवरात्रि कहती है दिव्य बनो, गुणवान बनो, शक्तिवान बनो, फिर शक्तिदायक बनो, गुणदायक बनो। गुण शक्तियों को धारण करके हम बैठ ना जाएं, परंतु हम औरों को भी गुण और शक्तियों का दान दें। ओम शांति।